तो एक क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंडाइन आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कि हमें अगर दो वेक्टर्स दिए रहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड दिया रहता है, तो हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। मतलब फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो आपको दिया है कि ए की वैल्यू भी टेन डाइन है एंड बी की वैल्यू भी टेन डाइन है। थीटा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि क्या थीटा यहाँ पे 60 रखें कि ना रखें, ये क्वेश्चन है। थीटा यहाँ पे 60 रखें कि ना रखें। ठीक है, तो मैंने एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि जो एंगल होता है दो वेक्टरों के बीच का, जो एंगल होता है वो क्या होता है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एंगल जानने में, तो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज यहाँ पे जो मेरा फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ये एंगल दी हुई है आपको, सपोज थीटा दी हुई है। तो मैं क्या पूछा, ये एंगल है कि नहीं दो वेक्टरों के बीच का एंगल, तो मैं बोलूंगा ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? तो मैं अगर एक डेफिनेशन दूं कि दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल होता है वो उन दोनों के टेलों का एक पॉइंट पे मिलने के बाद जो एंगल बनता है वो छोटा एंगल, उसे ही बोलेंगे हम लोग क्या, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। कैसे? सपोज ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये थीटा है, और ये एक थीटा वन एक थीटा टू है। तो दो वेक्टर का टेल एक जगह मिल रहा है, तो जहां छोटा एंगल है इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको भी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं बोलेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एक का तो टेल है लेकिन यहाँ पे मैंने एक वेक्टर का हेड बना के रखा है, और ये एंगल थीटा है, क्या ये एंगल थीटा दो वेक्टर कुछ एंगल होगा? तो ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो आप एक काम करिए, इस टेल को आगे बढ़ा लीजिए, इस वेक्टर को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसका टेल कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। आपको एक नया एंगल थीटा डैश मिल रहा है। ठीक है, अब मैं जो डेफिनेशन दिया था कि दो वेक्टरों के टेल के बीच जो एंगल होता है वो होता है थीटा, तो अब ये होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इसी टाइप से अगर मैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल, एक का टेल एक का हेड पे है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले वेक्टर को आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि उसका टेल इसके टेल से कॉइंसाइड करे। अब ये जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये 60 है, स्ट्रेट लाइन है, सब मिला के 180 होगा, मतलब 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 120, मतलब अब ये थीटा कितना होगा 120 होगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा सॉरी कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस हाफ होती है। ओके ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 10 इंटू माइनस हाफ। तो ये इसे कट गया, ठीक है, हमारा क्या कितना आया 100 प्लस 100, ये कट गया, माइनस में कितना आ जाएगा 100, ये कट जाएगा, तो अंडर रूट कितना आ गया 100, इसके लिए कितनी आ गई 10 डाइन। तो हमारा नेट जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया 10 डाइन। थैंक यू।